तो आप क्या गए हैं उसके लिए? सर्वप्रथम हम एक भोजपुरी के मामूली गीतकार प्यारे लाल यादव के तरफ से हमारे यूपी बिहार के तमाम भोजपुरी दर्शक भाइयों बहनों सबको मेरे तरफ से प्रणाम है। और रह गई बात आज विषय की, तो खेसारी जी ने जो यूपी में बिहार में छपरा में जो आज बाढ़ की त्रासदी हुई है उसके लिए अगर अपने 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 फिल्म को उन्होंने आगे किया है कि आज हमारे लोग दुख में हैं, हमारे दर्शक दुख में हैं, तो अगर हम दुख में मनोरंजन करते हैं तो ये कहीं न कहीं से हमारे दिल को गवाही नहीं दे रहा है। और कहें क्योंकि मनोरंजन वह विषय है जो सारे सुखों के बाद आता है, तो जिंदगी में एक सुख की अनुभूति देता है। पहले मनोभंजन, मनोभंजन का मतलब जिंदगी की सारी जरूरतों का पूरा होना, और मनोरंजन का मतलब हो जाए तो दिल को सुकून पैदा करने वाला एक लोक संगीत फिल्म का माध्यम के द्वारा जो कुछ भी होता है वो मनोरंजन है। तो खेसारी जी ने निर्णय जो लिया है, प्रोड्यूसर ने जो निर्णय लिया है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो निर्णय लिया है, जो पूरी टीम ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय सराहनीय है। क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले एक पंक्ति में लिखा था कि दूसरों के लिए जो रोता है लाखों में कोई एक होता है। सर एक जिला नहीं, कम से कम 20-25 जिले बिहार से बाढ़ग्रस्त हैं, तो एक काफी साल बाद जो है के लिए या और भी जिलों के लिए ये कदम उठाया जा रहा है या सिर्फ आपने एक ही जिले के लिए कदम उठाया, क्या कोशिश जारी है आपकी? नहीं नहीं हम नहीं, बाढ़ पीड़ित में ऐसा है कि भोजपुरी दर्शक से लेकर के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भोजपुरी से नहीं बल्कि मिथिला से हैं, ऐसे भी जो जिन लोगों ने बाढ़ पीड़ित को, जिन लोगों ने बाढ़ की त्रासदी को झेला है, जिन लोगों का घर बहा है, जिन लोगों के पशुएं बहे हैं, जिन लोगों का धन बहा है, धन जन बहा है, मैं सबके लिए कि कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी सहानुभूति है हमारी सबके लिए है। अगर हमारे लोग हमारी फिल्म को देख करके दिल में अगर एक बार उठेगा कि हम फिल्म को देखेंगे, तो आज अपने उस विपत्ति के पैसे से अगर एक टिकट कटा लेंगे तो वो तो हमारे फिल्म का बिजनेस होगा, लेकिन उनके घर के दुख का पैसा होगा जो खेसारी लाल के लिए और इस टीम के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। और भी इंडस्ट्री में फिल्में हैं तो और दूसरे एक्टर्स जैसे कि सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी हैं, पवन सिंह जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, और भी बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटी हैं भोजपुरी के, तो उनको आपने इस बारे में बताया या उनकी कोई और आगे इस छपरा बाढ़ को लेकर कुछ और प्रक्रिया चल रही है? नहीं नहीं बिल्कुल चल रही है। सब लोगों ने उस बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने अपने दुख को प्रकट किया है और सब लोगों ने अपने अपने तरफ से उन लोगों को एक संतुष्ट प्रद का शब्द कहा है जिस तरीके से वो लोग करेंगे। लेकिन ये फिल्म रिलीज पर थी चूंकि 9 तारीख को, इसलिए इसको ये पहले दिखा कि मतलब ये इस तरह से पहले हम फिल्म को न ला करके बाढ़ पीड़ितों को अपने तरफ से हम कुछ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। किसानी लाल जी ने मदद भी की, मेरे कहने की मुराद ये है कि उन लोगों की तरफ से कुछ मदद की दरकार आई है या गवर्नमेंट की तरफ से, या भोजपुरी सेलिब्रिटी मनोज तिवारी जैसे सांसद में है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई उम्मीद जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए, या जैसे खेसारी लाल जी ने कुछ कपड़ा मकान और खाने को दिया है, तो ऐसे करके कुछ सेलिब्रिटी और सांसद की तरफ से कुछ है वहाँ पर के लिए? देखिए खेसारी लाल जी ने जो काम किया है तो ये तो फिल्मों में रोल करते हैं। फिल्मों में ये होता है कि हीरो एक मसीहा होता है, जनता पब्लिक के गांव के शहर के कस्बे के दुख को समझता है, जुल्म को मिटाता है, सब कुछ करता है, वो हीरोगिरी का एक अभिनय करता है। लेकिन आज खेसारी लाल जी ने जो किया है एक रील के हीरो से रियल हीरो का काम किया है। रह गई बात और हमारे भाइयों को, तो और हमारे भाई भी अपने एंगल से कुछ न कुछ सोच रहे हैं, और जैसे भी हमको हर लोगों से मीटिंग होगी, हर लोगों से बात होगी कि कौन किस एंगल से उन भाइयों के बीच में जाना चाहता है, किस प्रकार की मदद लेके जाना चाहता है, जैसे भी हमारे